you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power. Alright MG family, hope so you are well and good and welcome back to my YouTube channel MG Starter. So guys, इस समय आप लोग देख सकते हो मेरी खड़ी है पलसी जो आप देख ही रहे होंगे और यहाँ मैं खड़ा हूँ इज्जत नगर स्टेशन के पीछे वाली रोड पे. So बताऊँ यहाँ क्या कर रहा हूँ. यहाँ मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेने क्योंकि आज है स्कूल में फेयरवेल. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. ये हमारा दूसरा फेयरवेल होगा स्कूल की साइड से है, पर ये वाला पिछली बार हमने करी थी आफ्टर पार्टी. अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा, आई बटन पे आपको शो कर रहा होगा, आज जाके ज़रूर उसको देख लीजिएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में. तो पहले बता दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब मार देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर छोड़ देना अपना प्यारा सा. तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं. सो गाइस, अगर आप लोग नए हो मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब मारो भाई और लाइक कर देना भाई ब्लॉग अगर अच्छा लगे. एंड तक देखना, बहुत मज़ा आया है और पूरा पूरे कोशिश करिए कि आप लोग के पूरे पूरे मज़े दिलवाए जाएं. सो बने रहिएगा व्लॉग में. देख सो गाइस, आप लोग देख सकते हो अपने स्कूल की यही एक खासियत होती है कि यार लोकेलिटी बहुत अच्छी जगह पर है. सब जगह खेत वेत है. ये सिद्धि विनायक है, हाँ, जहाँ मेरा भैया ही भी पढ़ता है, पढ़ चुका है. सो गाइज, अभी अपने लोग हैं स्कूल में. होप सो आवाज़ यार आपको ठीक आ रही होगी. सो अभी जो है फोटो सेशन चल रहा है अभी स्कूल का. बाकी आपको दिखाता है, बाकी पीछे इधर ही फोटो सेशन चल रहा है और सामने का आपको दिखा देते हैं. सो गाइज, आप लोग देख सकते हो सामने भी फोटो सेशन चल रहा है और हम लोग का हो चुका है. सो वीडियो आपको मिली गई होगी और but we just want to say, have faith in yourself. You'll start carving your own careers. We are sure the values, ethics, characters, and the academic and other basic skills that you have learned at our school will help you to shape your bright future. We hope that you will bring glory and laurels to the school. At last, I would like to conclude my speech with a few lines for you all. छोड़ के जब आप स्कूल चले जाएंगे, सच कहते हैं ये दिन आपको याद बड़े आएंगे. टीचर्स की डांट से बचने के नए नए एक्सक्यूजेस बनाना और दोस्तों के साथ ढेर सारी बातें करना. प्रेसेस के लिए भले ही मिनट रह गए हो चार, प्रेसेस के लिए भले ही मिनट रह गए हो चार, पर क्लास के पीछे से आती थी पुकार, भाई जरा लंच पास करना यार. आज तो दम लगा कर पढ़ेंगे,
जब अंदर से आवाज आती थी, आज तो दम लगाकर पढ़ेंगे जब अंदर से आवाज आती थी, पर पढ़ाई करते वक्त नींद बड़ी आती थी। रिजल्ट के वक्त गुस्सा बहुत आता था, रिजल्ट के वक्त गुस्सा बहुत आता था जब भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कहने वाला सबसे ज्यादा मार्क्स लाता था। छोड़ के जब आप स्कूल चले जाएंगे, सच कहती हूँ ये दिन आपको याद बढ़ आएंगे। अभी हम लोग का थोड़ा सा पार्टी मतलब जो फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, वो तो ख़त्म हो चुका है। और अब जो है ये लंच है हम लोग का, और लंच के बाद हम लोग देखते हैं कुछ अगर होता है रोंडो का सीन तो बनेगा यार बाकी। सो गाइस पीछे का दिखा देते क्या सीन चल रहा है अभी। सो गाइस जो भी लंच है वो स्कूल वाले हमारे प्रोवाइड कराया है, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रहा है स्कूल का। और सारे बच्चे हैं, आप लोग दे सकते हैं, सारी 12th ए और 12th बी और सारे टीचर्स हैं। वहाँ सारे सब 11th वाले हैं।